विनोद सिंह की हत्या की गुत्थी सुलझी, सिगरेट देने से इनकार करने के चलते स्थानिकों ने दिया खूनी वारदात को अंजाम। पालघर जिले में क्राइम रेट तेज गति से बढ़ रहा है। यहाँ पर ना तो पुलिस तंत्र मजबूत नजर आता है और ना ही यहाँ के अपराधियों में पुलिस या प्रशासन का जरा भी खौफ देखने मिलता है। पुलिस प्रशासन का खौफ ना होना तथा अपराधियों का बेखौफ होना ही क्राइम रेट में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण है। पालघर जिले से आज एक फिर आपराधिक मामला सामने आया है, जहां पर बेखौफ नशेड़चियों ने नाला सुपारा शहर के अध्यक्ष व रिक्शा चालक मालक संगठना के अध्यक्ष विनोद सिंह को गला काट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। घटना कुछ इस प्रकार घटी कि विनोद सिंह तथा उनके भाई की बोहिसर में किराने की दुकान व तबेला है, जिसमें किराने की दुकान में कल रात करीब 1 बजे के आसपास विनोद सिंह, उनका छोटा भाई, बेटा एक साथ सो रहे थे, जिसके बाद वहां के कुछ आदिवासी लड़कों ने आकर दुकान की शटर खटखटाई और सिगरेट की मांग की। जब विनोद सिंह के छोटे भाई ने सिगरेट देने से इनकार किया तो वहां के लोगों ने शटर पर मारना शुरू किया तथा गाली गलौज शुरू की। गाली गलौज शुरू करते हुए उन्होंने शटर का ताला तोड़ा। इतना ही नहीं, विनोद सिंह व उनके परिवार के साथ मारपीट की वारदात को भी अंजाम दिया तथा दुकान में लगा कांच का काउंटर भी तोड़ दिया, जिसके बाद विनोद सिंह आक्रोशित हो गए और उन्होंने भी उन आदिवासी लड़कों को बहुत मारा। उस समय तो वो आदिवासी लड़के वहाँ से डर कर फरार हो गए, परंतु कुछ समय बाद वहाँ के स्थानिक आदिवासियों के साथ कम से कम 40 से 50 लोगों की तादाद में वापस आए और दुकान की शटर खटखटाने लगे। दुकान की शटर वापस खटखटाते हुए उन्होंने दुकान की शटर तोड़ दी और दुकान के अंदर घुस गए। दुकान के अंदर पड़े कांच के टुकड़ों से ही उन्होंने विनोद सिंह का गला रेत दिया तथा वहां से फरार हो गए, जिसके बाद विनोद सिंह को पहले बोईसर के स्थानिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसके बाद उन्हें नाला सुपारा के स्टार अस्पताल में ले आया गया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। वहीं छोटे भाई और उनके भतीजे को भी पहले बोईसर के स्थानिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, परंतु उन्हें अभी नाला सुपारा के CNC अस्पताल में भेज दिया गया है। पीड़ितों का यह कहना है कि इससे पहले 27 नवंबर को भी इस आपराधिक गतिविधियों को तथा मारपीट की वारदात को अंजाम यहाँ के स्थानिकों द्वारा दिया गया था। पीड़ितों का यह भी कहना है कि उन्होंने इस घटना पर कम से कम 20 बार बोईसर पुलिस को कॉल किया, परंतु बोईसर पुलिस ने उनका फोन नहीं उठाया। फिलहाल पुलिस ने सब अपराधियों के खिलाफ IPC की अन्य धाराओं के तहत आपराधिक मामले दर्ज कर लिए हैं और साथ ही 8 आरोपियों को पकड़ने में भी सफलता हासिल की है। परंतु यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात यह है कि यदि पुलिस प्रशासन वक्त पर पहुँच जाता तो शायद इतना बड़ा हादसा टाला जा सकता था। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन कब तक इस हत्या में शामिल सभी अपराधियों को पकड़ने में कामयाब होता है। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। हम लोग दुकान में ताला लगा के सोए थे, रात लगभग 11:30 था। गाँव की कुछ लड़की आदिवासी आके शटर पीटने लगे, बोले सिगरेट दो सिगरेट दो। हम लोग बोले कि अब सुबह में लेना, हम लोगों को सुबह उठना है, तबेला है, सुबह उठ के दूध दूध निकलना रहता है, तो हम लोग बार बार ऐसे डिस्टर्ब ना करो, आप लोग जाओ सुबह में आके जो लेना है ले। इसके बाद नहीं माने, गाली बिली दे रहे थे। हम लोग बाहर निकले, हम थे, हमारे बड़े भाई विनोद सिंह, एक भतीजा था अंकुर सिंह। बाहर निकलने के बाद वो लोग गाली देने लगे, गाली देने के बाद आधा एक दो मारे उन्होंने। हाँ, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे भाई भी दो एक को एक दो डंडे दिए, भाग गए। उसके बाद वो लोग फिर आए सैकड़ों की तादाद में। अच्छा। और इसके बाद हम लोग वहीं थे सामने दुकान के, हम लोग देखे कि भीड़ ज़्यादा है तो शटर हम लोग बंद कर लिए। बंद करने के बाद वो लोग शटर ईंटा पत्थर मारने लगे, कोर मादरचोद कोर, लेफ्ट साइड का शटर का ताला तोड़ कर वो लोग काउंटर पर जो कांच लगा था काउंटर तोड़ डाले, उस पर जो सामान था सब सामान ले गए उठा के। हमारे लॉकर में पैसा था काउंटर में, कितना
लगभग 1,23,000 रुपया था वो रुपया ले गए। भाई को हमारे इधर जब गला काट दिए, किस चीज से किया? अब हम नहीं देख पाए किस चीज से किए। अच्छा, गला काट दिए, गला यहाँ कट गया राइट साइड। हाँ, राइट साइड में। अब खून का बहाव देखते हुए तो हमसे रहा नहीं गया। इसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा। ये देखा जब हम लोग भाई को लेके शटर के अंदर आए, इसके बाद फिर वो लोग शटर पीटना चालू किए। तो वहीं बगल का एक बंगाली मित्र था बेचारा, वो भी रूम पे रहता है भाड़े पे, वो भी आया किसी तरह, वो भी शटर दबा के रखा था। भाई का हालत हमने नाजुक देखा। मैं बोला चलो अभी जो होगा होगा, अभी पहले इनका ट्रीटमेंट। बाहर हम लोग 3 लोग लेके निकल रहे हैं, फिर वो लोग जो है डंडे पत्थर से हमको मारना शुरू किए भतीजे को। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।